ऐसे बैठे हुए हैं और ये इस व्यू के साथ, इस पूरे व्यू के साथ ऐसे बैठे हुए हैं और ये पानी की आवाज आ रही है थोड़ी थोड़ी। गुड मॉर्निंग फैमिली, सुबह के बज रहे हैं 6:30, थोड़ी थोड़ी रोशनी हो चुकी है और प्लान बना है ऋषिकेश का। इस बार ऋषिकेश निकल रहे हैं और बिल्कुल भी प्लान नहीं था, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल प्लान नहीं था। मतलब एक रात पहले हम लोगों ने, कल ही मैंने रूम बुक करे हैं, कोटेज है कुछ ऋषिकेश में, कुछ कोटेज करके था, मैंने थोड़ा सा देखा, हल्का फुल्का देखा, फिर मैंने वही सही लगा तो मैंने वही बुक कर दिया है। तो वहां पहुंच रहे हैं और टाइम दिखा रहा है वहां का, 5:32 दिखा रहा है, 278 किलोमीटर दिखा रहा है भाई। फुल मस्ती करते हुए जाएंगे, मौज काटेंगे फुल हाईवे पे। और रास्ता बहुत अच्छा है ऋषिकेश का, जो देहरादून हरिद्वार पूरा रास्ता है, जो सारा दिखाऊंगा, नया बन गया है फ्लाईओवर, हाईवे सारे नए बन गए, बढ़िया एक नंबर का हो गया रास्ता, बहुत स्मूथ हो गया है। पहले उतार पहले थोड़ा दिक्कत होती थी लोगों को। और उत्तराखंड जा रहे हैं, उत्तराखंड है ही हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड, उत्तराखंड चलते हैं, मस्ती करते हैं। चलो आ जाओ निकलते। If you ignite him, he's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day, leave the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up. और ये लो जी, पहला टोल आ गया है और करीब 198 किलोमीटर भी और बचे हुए हैं और ये पहला टोल आ गया है। पहला टोल कटवाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, फिर देखते हैं भी और कितने टोल आएंगे। एक टोल क्रॉस करने के बाद अभी फ्यूल डलवा लिया है थोड़ा सा, ताकि आगे जाके मतलब रुकना ना पड़े, थोड़ा सा डलवाते हुए चल रहे हैं, डलवा लिया है। और भाई मज़ा आया, बहुत सही रोड है, बहुत सही खेत वेत वाले, फुल फीलिंग आ रही है खेत वाली की, मतलब वहाँ कहीं जा रहे हैं। तो अभी मेरठ में है और पेट्रोल पंप से निकल के, पेट्रोल पंप के बाहर ये चीज़ मिल गई है, सुंदर सुंदर चीज़ें जो कि सुबह सुबह हेल्दी चीज़ है। और ये मिल गई है दोनों चीज़ें, दो प्लेट करवा ली हम लोगों ने और ये हम घर से लेके आए थे, तो ये खाते हैं। बाकी अभी हल्की फुल्की भूख लग रही है और बाहर आगे चल के देखते हैं क्या है ब्रेकफास्ट का सिस्टम। बाकी ये लेते हैं प्री, लेते हैं प्री। और आ गया है सेकेंड टोल, अभी भी दिखा रहा है 176 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है ऋषिकेश। हरिद्वार तो मेरे ख्याल से 120-130 किलोमीटर बचा होगा और ये सेकेंड टोल आया, काफ़ी देर में आया है। अभी अंदर आया, नमस्ते इंडिया करके आया जगह मिड वे में, और अभी सुंदर बना रखा है ये। तो मिडवे में आ चुके हैं और एक ही आलू प्याज का पराठा मंगाया था, चार वड़ा पाव मंगाए थे और एक ही पनीर पराठा मंगाया था। तो हल्दीराम में ही आए हैं और कहीं जाएंगे, और कहीं जाने का मन ही नहीं था। ये लो जी, दर्शन कर लो ओम, यहाँ पे आते तो ये दिख जाता है, पता चल जाता है कि हरिद्वार में आ गए, देवभूमि में एंट्री कर ली हम लोगों ने। और भाई मज़ा आ रहा है, और अभी हमें तो यहाँ से और आगे जाना है, ऋषिकेश की तरफ जाना है। थोड़ा सा सोच रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा स्टे करके दर्शन कर लेते हैं। I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. You fucked away inside with the key. भाई बीच में अगर रखा था ऋषिकेश वाला रास्ता बंद, तो हमें पूरा घूम के आना पड़ा है बानिया वाला से। तो मतलब ये मान लो कम से कम 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ गया हमें इस वजह से, क्योंकि पूरा घूम के आना पड़ा। लेकिन जब आए हैं तो अब यहाँ पहुंच गए, पूरा जंगल जंगल एरिया है और ये वही वाली टेरिटरी है, मतलब यहाँ पे जानवर, लोइन, टाइगर सब यहीं पे हैं, सब यहाँ पे मिल जाते हैं रात के टाइम में, मतलब बाहर निकल आते हैं, पीछे बोर्ड भी लगा हुआ था। और मतलब सही एरिया यार, अगर हुआ तो कोशिश करेंगे मतलब यहाँ गाड़ी खड़ी करके कहीं अंदर जाए और आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कैसे क्या है अंदर का सिस्टम। और
जाके अभी पहुंचते हैं। लोकेशन हमारी अभी भी दूर दिखा रहा है, अभी भी एक घंटे का रास्ता दिखा रहा है लोकेशन पे, क्योंकि ये रास्ता बीच में बंद था उसकी वजह से। तो पहुंचते हैं अभी, 39 किलोमीटर और जाना है ऊपर। इतनी देर से ट्रैफिक लगा हुआ था, वहाँ पुलिस वाले खड़े हुए थे, वो डाइवर्ट कर रहे थे लोगों को। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि भाई हमें इस साइड जाना है, तो वो कहते दूसरी तरफ जाना है। इतनी देर से ट्रैफिक में चल रहे थे, रास्ता पूरा रेड हो रखा था, अब जाके रास्ता ब्लू हुआ है। बट अभी भी काफ़ी टाइम है पहुँचने में, अभी भी मतलब 30 मिनट दिखा रहा है अराउंड, तो पहुँचते हैं। बाकी अब लेकिन ये है कि ट्रैफिक खुल गया है, ट्रैफिक नहीं है पूरे रास्ते में। तो जो लोग मेरे ख्याल से वापस जा रहे होंगे, वो तो उन लोगों ने ट्रैफिक लगा रखा है, क्योंकि वीकेंड का टाइम है तो लोग वापस जा रहे हैं दिल्ली और जहाँ से आए हैं, जहाँ से भी कहीं से भी आए तो वहाँ वापस जा रहे हैं। बट जो व्यू आ रहा है ना, मतलब उससे तुम्हारा सारा ट्रैफिक का सारी थकावट सारी दूर हो जाएगी। तो व्यू बहुत सही आ रहा है, आगे और सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ आपको, सिनेमैटिक्स एंजॉय करते हैं। और अभी यहाँ पे आ गए हैं, थोड़ा सा रुके हैं इस साइड, वो खड़ी अपनी गाड़ी, और यहाँ रुके हैं। और यहाँ पे सब राफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, और वो बैठे अपने हनुमान जी। और भाई सही पानी हो रखा है, सही लग रहा है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा पानी हो रखा है। और ये कहाँ आ रहा है, ये नहीं सोचा था मैंने कि भाई इतने दूर जाके होगा और इतने अलग से रास्ते में जाके होगा। ये मान लो कि आज बिल्कुल कुछ अलग सा ही कुछ चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, कि मतलब बियॉन्ड लिमिट क्रॉस कर दिया आज, बिल्कुल अलग आ गया है। और अभी जाके देखते हैं बाकी कोटेज और जो भी हमने रूम बुक करा है वो कैसा है, पता चलेगा अभी अंदर जाके, नीचे जाके पता चलेगा। और काफी टाइम से चले जा रहे हैं, लेकिन ये है कि भाई थकावट हल्की फुल्की हो रही है, बट इस व्यू के साथ थकावट मेरे ख्याल से मैटर नहीं करती। तो मज़ा आ रहा है भाई, और जा रहे हैं, और यहाँ पे धूप है बट इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, नॉर्मल है। नीचे चल के देखते हैं अभी बाकी कैसा, आप लोगों को दिखाऊंगा कोटेज कैसा है, जो कोटेज है रिजॉर्ट है मुझे नहीं पता भी क्या है प्रॉपर, तो नीचे चल के देखते हैं वो कैसा है। And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space. तो अंदर आ चुके हैं और ये कॉटेजेस दे रखे हैं, तो हमने यहाँ पे दो कॉटेजेस लिए हैं, एक भाई ये लिया है एक वो लिया है, दोनों एक साथ ले लिए हैं, चार लोग हैं तो मैंने कहा दो दो हो जाएंगे इसलिए लिया है। और मतलब मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे प्रॉपर कैसा क्या है, थोड़ा बहुत देखा था मैंने एक आधी फोटोज में ही देखा था। बाकी भाई ये व्यू आ रहा है नेचर का, यहाँ पे सनसेट का टाइम है भाई, बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब यार थोड़ा सा सोचा था कि थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, बट मेरे को लग नहीं रहा कि रेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये देख के वैसे ही दिल खुश हो गया है। मतलब बिल्कुल शांति है, इतने ट्रैफिक वगैरह से, मतलब यार बिल्कुल पॉपुलेशन से दूर यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बिल्कुल माइंड सेट बना के आ रहे हैं कि भाई बिल्कुल शांति में जाएंगे, बिल्कुल पीस में जाएंगे। और भाई और अभी वहाँ पे घोड़े सब घूम रहे हैं वहाँ पे हो रहे, तो अभी हम जाएंगे। और नीचे पानी वाला व्यू है, पानी वाला व्यू दिखाऊंगा मैं आपको, पानी वाला व्यू कैसा है। और रूम बहुत बहुत सही लगा मेरे को यार, बहुत प्यारा हट टाइप के बना रखे हैं और बहुत सुंदर बना रखे हैं, कुछ यहाँ पे हैं कुछ नीचे हैं। और नीचे भी जो भी फंक्शन, इन लोगों ने हमें टीवी तक नहीं दे रखी है, इसलिए नहीं दे रखी क्योंकि यार तुम मतलब टीवी से हटके थोड़ा सा नेचर एक्सप्लोर करो, नेचर को इंजॉय करो भाई, मतलब मज़ा आ रहा है, दिल खुश हो गया ये सब देख के। और अभी ये सब देखते हुए ही आए हैं रास्ते में पूरा, भाई मज़ा आ गया सच बता रहा हूँ, फीलिंग एक नंबर है भाई। मतलब ये देख के सीधा दिल से एक ही चीज़ निकलती है कि भाई वाओ वाओ निकल जाता है दिल से। और अभी नीचे चलते हैं, नीचे आपको पानी वाला व्यू दिखाऊंगा मैं। और ये सनसेट भी हो चुका है और इवनिंग हो चुकी है, अब आ गया थोड़ा सा बाहर घूमने का, बाहर का एक्सप्लोर करने का। बाकी उससे पहले मैं आप लोगों को अपना रूम दिखा देता हूँ, रूम नहीं दिखाया मैंने अभी, एक वो है एक ये है और ये रूम है,
और भाई मतलब पूरा हट जैसा बना रखा है, बहुत क्यूट सा और प्यारा सा रूम है। और ये देखो ये चीज लकड़ी की है भाई, ये तो दीवार ही है। और मतलब छोटा सा बना रखा है, क्यूट सा बना रखा है, मतलब फील देने के लिए है। नेचर को एक्सप्लोर करो भाई यहाँ पे रह के। और भाई एक नंबर का है, मुझे बहुत अच्छा लगा यार ये। और ये तुम्हारा भाई, भाई सब्सक्राइब कर देना आयुष। और बाकी अभी बाहर चलते हैं, बाहर घूम के आते हैं। ऐसा है, यहाँ से बाहर चलते हैं भाई। ये है विंडो से इवनिंग का व्यू आ रहा है, बाकी मॉर्निंग का व्यू देखेंगे, मॉर्निंग का व्यू कैसा आ रहा है। ये रूम की विंडो है और यहाँ से इवनिंग का व्यू आ रहा है ऐसा, देखते हैं बाकी सुबह। और यहाँ से निकलते हैं अभी, बाहर घूमते हैं यार। बाहर के लिए एक्साइटमेंट हो रही है कि बाहर कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, अभी बाहर निकलते हैं। तो यहाँ से अब नीचे की तरफ आ गया। और जो मैं आपको पानी वाला व्यू बता रहा था वो ये है पूरा, इसके साथ में। और ये पूरा दूर तक है और ये रिजोर्ट के साथ में ही है पूरा। और यहाँ लोग ऐसे बैठे हुए हैं सबके सब, पूरा आगे तक। सही है, वो तो कुछ डूब रहे हो, क्या कर रहे हो। This world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no legs, it'll kill when I'm desperate. अंदर आ चुके हैं इसमें, और इसमें छोटी छोटी मछलियां हैं। मछलियां दिख रही हैं क्या? अभी थी यार, यहीं गई थी। ये रही छोटी छोटी मछलियां, दिखाता हूँ। इसमें छोटी छोटी मछलियां अगर दिख रही हो, एक आधी दिख रही हो यार। अरे तो पता है ब्राउन कलर की मछलियां है। ये देखो भाई, बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां है इसमें। और ये पैरों में टकरा रही है, पैरों में टकरा रही है थोड़ा थोड़ा भाई। थोड़ा पानी फिसल रहा है इसमें थोड़ा सा, लेकिन भाई मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी है। और ये व्यू है भाई यहाँ का, फुल पावर वाला व्यू है। अरे छोटा सा बच्चा नहा रहा है एक। बाकी हम थोड़ी देर के लिए आए हैं, बाकी मैं सोच रहा हूँ कल इसमें डुबकी मारेंगे बढ़िया तरीके से। रात को निकले हुए हैं थोड़ा सा वॉकिंग वॉकिंग करने, अभी कुछ खाया नहीं है। और ये एक रिजोर्ट एक यहाँ पे है, पर हमारा वाला बढ़िया है। आगे जा रहे हैं भाई, कुछ नहीं पता कहाँ क्या है, आगे तो ले रहा है लेकिन जा रहे हैं। ये हमारी छोटी सी गौ माता पहाड़ी गए, क्योंकि बहुत छोटी सी होती है। और ये लो आ गई हमारे पास भाई, इतने छोटा छोटा सा बच्चा। और ये अकेला खड़ा हुआ है यहाँ पे। अरे घुमा के लाए तुझे भी, आ जा। पहली बार व्लॉग में कुछ नई चीज़ दिखा रहा हूँ कुत्तों के अलावा। अरे घुमा के लाते हैं, आजा आजा यार। इसको कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ खिलाने के लिए नहीं है इसके लिए। आजा 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 अरे 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 मारो मत यार, मारो मत यार। चलो बाय 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 छोटू। और अब भाई थोड़ा पता नहीं चलते चलते आ गए आगे की तरफ। और यहाँ पे अब बिल्कुल अंधेरा, और इस साइड है बिल्कुल जंगल। तो किसी हॉन्टेड लोकेशन की तलाश पर जा रहे हैं कि भाई कोई चला हुआ चुला हुआ या भूत बात दिख जाए तो उसके साथ भी व्लॉग बना लेंगे, उसके साथ भी वीडियो बना लेंगे। बाकी बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे मतलब कोई भी जानवर कभी भी आ सकता है, क्योंकि इस साइड पूरा जंगल है। वीडियो में भी दिख नहीं रहा, मैं सुबह दिखाऊंगा आपको, इसमें नहीं दिख रहा है। इस साइड पूरा का पूरा जंगल है, पूरा मतलब उस तरफ। और इस तरफ ये पूरी खाई है और पानी वगैरह है, और आगे वो रिजॉर्ट्स वगैरह कॉटेजेस वगैरह और भी बना रखे हैं। बाकी यहाँ चल रहे हैं।
भाई खाना पीना भी डन कर दिया है और अब रैकेट खेलेंगे थोड़ा यहाँ पे। If your anatomy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen, I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you'll have scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative. ऐसे बैठे हुए और ये इस व्यू के साथ में, इस पूरे व्यू के साथ ऐसे बैठे हुए हैं और ये पानी की आवाज़ आ रही है थोड़ी थोड़ी। अभी अभी गाने बंद हुए इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, अभी तक नहीं बोल रहा था क्योंकि गाने प्ले होते हैं तो सिनेमेटिक्स बनाए हैं कुछ कुछ, तो भाई ये वाला फील आ रहा है। बस उस वाले पहाड़ पर लाइट जल रहा है और इस वाले पहाड़ मैंने आपको दिन में दिखाया था, ये बहुत ऊपर तक पहाड़ है। दिन में एक बार फिर दिखा दूंगा इसके ऊपर, रात को ऐसा लग रहा है अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन दिन में दिखाऊंगा आपको कि कैसा है पूरा भाई, नेक्स्ट लेवल जिसे फील कहते हैं। लग रहा है पता नहीं कहाँ आ रखे हैं, ये वाला फील आ रहा है भाई। और पानी बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल वाटर है, बिल्कुल साफ पानी है और छोटी छोटी मछलियाँ हैं, बट इसमें नहीं है क्योंकि यहाँ पर रनिंग है, वहाँ पर रोक रखा है तो ये रनिंग वाटर है यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है। अगर होगी भी तो वो बह जा रही होगी सारी। और ऐसे बैठे हुए भाई, चिल्ड वाटर है, बिल्कुल चिल्ड। थेरेपी ले रहे हैं, पता नहीं कौन सी भी ले रहे हैं भाई। नेचर में जो एक्सप्लोर कर रहा है, मान लो कि एक तरह से एक्सप्लोर कर रहा है नेचर को, और भाई ये वाले मज़े ले रहे हैं भाई, ये वाला फील अलग है भाई। और बिल्कुल चिल्ड वाटर है और दिल्ली से दूर, भीड़ भाड़ से दूर, बिल्कुल शांति में, बस ये पानी की आवाज़, चिड़िया की आवाज़, सुबह चिड़िया की आवाज़ आ रही थी और शांति, तो ये वाला फील अच्छा है। तो भाई ये वाला फील सब ट्राई करना मेरी तरफ से, तो भाई एक नंबर। मन नहीं कर रहा भाई यहाँ से उठने का, मन ही नहीं कर रहा है। पानी की भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना? हाँ, तो मेरे ख्याल से पानी की आवाज़ आप लोग सुन ही पा रहे होंगे, तो एक नंबर फील है भाई, फुल पावर। और सोए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोए, पूरी ड्राइव करने के बाद भी फुल एनर्जेटिक होके बैठे हुए हैं अभी भी। कर लिया है यहाँ पे पूरा इंजॉय और 11:30 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और अब चलते हैं रूम की तरफ, यहाँ का अल्टीमेट व्यू आ रहा है, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है और मज़ा आया। मन नहीं कर रहा था उठने का, बट थोड़े थोड़े थके हुए भी हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि बाकी मस्ती फिर बाकी की सुबह करेंगे। और जो पानी वाला सिस्टम था वो वहाँ बैठे हुए थे हम लोग, और अब जा रहे हैं रूम में। एक ये रूम था, एक वो रूम था, तो अपने अपने रूम में सेटल डाउन हो जाते हैं। नहीं ये नहीं, बस एक ये नहीं था ना, ये नहीं है। एक ये रूम था और एक ये रूम था, तो दोनों रूम में चलते हैं। और रूम बहुत प्यारे लग रहे हैं बाहर से, बहुत अलग लुक आ रहा है रूम का, और अंदर चलते हैं। और ये हमारा दोस्त छोड़ने आया भाई हमें वहां से यहाँ तक। बाकी सुबह का व्यू दिखाएंगे, सुबह सनराइज का व्यू दिखाएंगे आपको, सुबह जल्दी उठेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी उठे ताकि मैं आपको व्यू दिखा सकूँ कैसा है सारा। और वहाँ पे पार्टी चल रही है सामने अभी, और सुबह देखना, साथ रहना सुबह, नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना, नेक्स्ट वीडियो। कोई नहीं है। फीफी देख लेगा तुझे चीट करते हुए, उत्तराखंड आके फीफी को चीट कर रहा है। हाय करता है आयुषी, हाय। मैं घुमरा कर रहा है, कुछ नहीं है, पागल बना रहा है।